मैजिकल सफेद शेर और काले शेर का पुनर्जन्म। एक घने जंगल में काले तेंदुए और काले बाघ की हुकूमत थी। काले बाघ का नाम सरदार तो काले तेंदुए का नाम गब्बर था। जंगल के जानवर उन दोनों से बहुत डरते थे। उन्हें देखते ही सारे जानवर गुमसुम होकर अपने अपने काम पर लग जाते थे। एक दिन गब्बर और सरदार जंगल में घूम रहे थे कि तभी शेरनी पागलों के जैसे चिल्लाते हुए आती है। मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, वो तुम दोनों को मार देगा। तब गब्बर और सरदार शेरनी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब गब्बर कहता है, अरे ओ पागल शेरनी, लगता है अभी तक तुझे तुम्हारे बेटे के मौत का विश्वास नहीं हुआ है। जा जाकर देख उस खाई को जहाँ से उसे हमने फेंक दिया था। वो दोनों शेरनी पर हंसने लगते हैं। तब शेरनी फिर से कहती है, मेरा बेटा जरूर आएगा, जरूर आएगा मेरा बेटा। अरे ओ पागल शेरनी, तुम्हारा मरा हुआ बेटा कहाँ से आएगा? जमीन की छाती फाड़ कर आएगा, आसमान का सीना चीर कर आएगा मेरा बेटा, और अपनी माँ का बदला पूरा जरूर करेगा। गब्बर और सरदार शेरनी के इस बात पर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। शेरनी के बाद एक हिरण का बच्चा सुन लेता है। वो माँ के पास जाता है और कहता है, माँ माँ, ये शेरनी ऐसे क्यों घूमती रहती है जंगल में? आखिर माँ उसके साथ क्या हुआ है? बेटा, शेरनी के साथ बहुत बुरा हुआ था। गब्बर और सरदार ने जंगल को हासिल करने के लिए शेर को मार दिया। उसने तो शेरनी के बेटे काले शेर को भी मार कर खाई में फेंक दिया। शेरनी को इस बात का बहुत सदमा लगा बेटा, और उसी दिन से शेरनी पागलों के जैसे अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। गब्बर और सरदार बहुत ही बेरहम थे। वो किसी को भी शेरनी की मदद नहीं करने देते थे। पर शेरनी भी अपने बेटे के उम्मीद में जैसे तैसे जी रही थी। इस तरह से 10 साल बीत जाते हैं। उस दिन शेरनी खाना खा रही थी कि तभी गब्बर और सरदार वहाँ आते हैं। वो शेरनी का खाना छीन लेते हैं। वो उसका मजाक करते हुए उस पर हंसते रहते हैं। तब गब्बर कहता है, अरे ओ शेरनी, क्या हुआ? 10 साल बीत गए लेकिन तुम्हारा बेटा अभी तक नहीं आया। कहीं जंगल का रास्ता तो नहीं भूल गया वो? हंस मत, तुम्हारे दिन भर गए हैं समझो। मेरा बेटा अब कभी भी आ सकता है। बार बार शेरनी की ये बातें सुनकर गब्बर को गुस्सा आता है और वो शेरनी को मार कर नीचे गिरा देता है। तब शेरनी के मुंह से एक ही आवाज़ आती है, बेटा। उसके ऐसे कहते ही दूर जंगल में एक नौजवान काला शेर जिसका नाम सिम्बा था, वो एकदम से नींद से जाग जाता है और माँ माँ मेरी माँ। सिम्बा हमेशा ही ऐसे ही नींद से जाग जाता था। उसका किसी भी चीज पर भार नहीं रहता था। इस वजह से उसके माता पिता सिम्बा के लिए चिंतित रहते थे। उस दिन सिम्बा की माँ शेर से कहती है, पता नहीं हमारे सिम्बा के साथ ये क्या होता है। 10 साल का हो गया मेरा बेटा, पर अभी भी छोटे बच्चे के जैसे डर जाता है। हे भगवान, क्या तुम्हें इस माँ पर जरा सी भी दया नहीं आती? मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि तभी वहाँ एक जादुई सफेद शेर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर शेर और शेरनी उसे प्रणाम करते हैं। शेर और शेरनी जादुई सफेद शेर को सिम्बा के बारे में बताने ही वाले थे कि तभी जादुई सफेद शेर कहता है, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। जिस तरह से तुम यहाँ बेटे के लिए चिंतित हो ना, उसी तरह से यहाँ से दूर एक दूसरे जंगल में सिम्बा की माँ इसका इंतजार कर रही है। ये सुनकर वो दोनों चकित हो जाते हैं। तब सफेद शेर सिम्बा के पुनर्जन्म और उसकी माँ शेरनी के बारे में सब बताता है। तब सफेद शेर अपने जादू से सिम्बा को उसके पुनर्जन्म की सारी बातें याद दिलाता है। उसे अपनी जादुई शक्ति देता है और कहता है, जाओ सिम्बा, जाकर अपनी माँ का इंतजार पूरा कर दो और मार दो उन दुश्मनों को, जाओ जल्दी। जादुई सफेद शेर के जादू से सिम्बा ताकतवर बन जाता है और वो तुरंत उस जंगल जाता है। जैसे ही सिम्बा उस जंगल में पैर रखता है, शेरनी को सिम्बा के आने का आभास हो जाता है। वो खुशी से हंसने लगती है। तभी गब्बर और सरदार भी वहाँ आते हैं।
शेरनी को यूं हंसते देख उन्हें हैरानी होती है। उसी वक्त वहां सिम्बा आता है, जिसे देखकर सब चकित हो जाते हैं। देखा, मेरा बेटा आ गया, मेरी सालों की तपस्या पूरी हो गई, भगवान ने मेरी सुन ली, अब तुम दोनों की खैर नहीं। गब्बर और सरदार सिम्बा पर हमला करने जाते हैं, पर तब सिम्बा अपनी जादुई शक्ति से उनसे लड़ने लगता है। उस लड़ाई में सिम्बा उन दोनों को मार देता है। इस तरह से जंगल से गब्बर और सरदार का जुल्म खत्म हो जाता है। सारे जानवर खुशी से नाचने लगते हैं, तो शेरनी सिम्बा को देखकर खुश हो जाती है। उस दिन से सिम्बा उस जंगल का राजा बन जाता है और अपनी दोनों माताओं के साथ खुशी से रहने लगता है। जादुई रास्ता, सफेद शेर, हाथी। एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था। सफेद शेर का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो जंगल के जानवरों को ही अपना परिवार मानता था। वो बहुत ही दयालु और ताकतवर था। वो जंगल में किसी तरह की अशांति बर्दाश्त नहीं करता था। एक दिन उसी जंगल में रहने वाला एक काला चीता अपने मन में सोचता है, अरे शेर और इसके कानून, इसका शिकार मत करो, उसका शिकार मत करो, मैं तो तंग आ गया हूँ। आप चाहे जो भी हो जाए, मैं तो अपनी मर्जी का शिकार करूँगा। शेर को थोड़ी ना पता चलेगा कि मैंने शिकार किया है, पर इसके लिए मुझे बहुत ही होशियारी से पेश आना होगा। ये सोच कर वो चुपके से जंगल में जानवरों का शिकार करने लगा। धीरे धीरे जंगल में जानवर कम होने लगे। एक दिन बंदर काले चीते को शिकार करते हुए देख लेता है और वो भागता हुआ जाकर शेर को सारी बात बताता है। शेर ये सुनकर गुस्से से दहाड़ मारता है और कहता है, उस काले चीते की ये मजाल कि वो मेरे ही जंगल में अशांति फैला रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर शेर काले चीते को ढूंढते हुए निकलता है। काला चीता एक जंगली सुअर का शिकार कर खा रहा था। ये देख शेर, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे जंगल में अशांति फैला रहे हो, तुमने क्या सोचा कि तुम जानवरों का शिकार करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। काला चीता शेर को देखकर डर जाता है। महाराज, मैं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। शेर काले चीते की एक बात सुनता है, वो उस पर हमला करता है। काला चीता जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। काला चीता भागते भागते जंगल में काफी दूर चला जाता है। वो भागते भागते एक कुएं में गिर जाता है, जो बिल्कुल अंधेरा था। काले चीते को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो कुआं एक शैतानी कुआं था, जिसमें गिरते ही काले चीते को कई सारी शैतानी शक्तियां मिल जाती है। वो बहुत ही ताकतवर बन जाता है। ये देख काला चीता खुश हो जाता है और वो वापस जंगल में आता है और वो अपनी शैतानी शक्तियों से जंगल में दहशत मचाने लगता है। वो ना तो बच्चों को छोड़ रहा था और ना ही बड़ों को। जो उसकी नज़र में आता वो उसे मार डालता था। जब ये बात शेर को पता चलती है तो वो कहता है, मैंने उस काले चीते को छोड़कर अच्छा नहीं किया, मुझे उसी वक्त उसे मार देना चाहिए था, पर मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे मार ही डालूंगा। यूं शेर गुस्से से आग बबूला होकर काले चीते को मारने निकल रहा था कि तभी लोमड़ी उसे रोकते हुए कहती है, महाराज शांत हो जाइए, देखिए वो काला चीता अब साधारण काला चीता नहीं है, उसके पास कई सारी जादुई शक्तियां है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। तो क्या मैं यूं ही अपनी प्रजा को मरता हुआ देखूं? नहीं महाराज, मेरा वो मतलब नहीं था। देखिए मेरे पास एक उपाय है उस काले चीते को मारने का, पर वो बहुत ही खतरनाक है, इसमें जान भी जा सकती है। कैसे, बताओ कैसे? मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। महाराज, जंगल की दक्षिणी दिशा में एक जादुई रास्ता है, जिसकी रखवाली एक हथनी करती है। अगर वो हथनी ठान ले तो हमारी मदद कर सकती है, पर ये भी सुना है कि आज तक कोई भी वहाँ गया वो वहाँ से वापस नहीं लौटा है। मैं अपनी जान लगा दूंगा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अब आगे भगवान की मर्जी। यूं शेर उस जादुई रास्ते को ढूंढते हुए निकलता है। जंगल में काफी दूर जाने के बाद शेर को वो जादुई रास्ता दिखाई देता है और साथ ही साथ वो हथनी भी, जो वहाँ टहल रही थी। हथनी शेर को देख कर, अरे ओ शेर, कहाँ मुंह उठाए चला आ रहा है, तू जानता भी है यहाँ किसी का भी आना मना है, चल जा यहाँ से, नहीं तो अपनी जान से जाएगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरे जंगल के जानवर मुसीबत में है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है।
यहाँ जो कोई भी आता है वो ऐसे ही घिसी पिटी बातें करता है, पर सच में किसी को भी अपनी प्रजा की चिंता नहीं होती है। मुझे दूसरों का पता नहीं, पर मुझे सच में अपनी प्रजा की चिंता है। मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो ठीक है, वो सामने जो रास्ता नजर आ रहा है तुम वहाँ जाओ। अगर सही सलामत आ गए तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी, नहीं तो तुम अपनी जान से जाओगे। उस रास्ते पर बड़े बड़े अजगर होंगे जो तुम्हारी हड्डियों को एक ही पल में चकनाचूर कर देंगे। लावा की ऐसी बारिश होंगी कि उस लावा की एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर पड़ जाए तो तुम्हारी ये जो सफ़ेद खाल है वो राख हो जाएगी। और ना जाने ऐसे कितने खतरनाक चीज़ें हैं जिन्हें सुनकर तुम यही मर जाओगे। इसीलिए मेरा कहना मानो और जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। हथनी बोल ही रही थी कि शेर उस जादुई रास्ते की ओर निकल पड़ता है। वो रास्ता बहुत ही भयानक लग रहा था। वहाँ आग के गोले बरस रहे थे। बड़े बड़े अजगर अपने फन फैलाए हुए खड़े थे, पर सफ़ेद शेर किसी की परवाह न करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही शेर उस रास्ते पर जाता है वो रास्ता बहुत ही सुंदर हो जाता है। शेर पर फूलों की बारिश होने लगती है। ये देख शेर चौंक जाता है। तब हथनी वहाँ आती है और कहती है, तुम्हारे जैसा ईमानदार राजा मैंने पहले कभी नहीं देखा, जो अपनी प्रजा के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं अपने शरीर को तुम्हारे शरीर से जोड़ लूँगी, फिर हम दोनों मिलकर उस शैतानी काले चीते को मार देंगे। यूँ हथनी अपनी जादुई शक्तियों से अपने शरीर को शेर के शरीर से जोड़ लेती है। वो दोनों हथनी और शेर का रूप ले लेते हैं और काले चीते के पास पहुंच जाते हैं। काला चीता शेर का ये रूप देखकर डर जाता है। यूँ उनके बीच लड़ाई शुरू होती है। हथनी और शेर की ताकत के सामने काले चीते की शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती है। काला चीता हार जाता है। हथनी और शेर काले चीते को मार देते हैं। शेर और जंगल के सारे जानवर जादुई हथनी का धन्यवाद करते हैं और फिर से जंगल में खुशियाँ छा जाती है।